हाय गाइस, मैं आप लोग को इस वीडियो में विंडोज को एक्टिवेट करने के लिए कुछ शॉर्टकट कमांड बताऊंगा। जैसे कि कभी कभी प्रॉब्लम होता है, आपके पास लाइसेंस की तो है तो आप डाल सकते हैं, बट आपके सिस्टम पे आज 3-4 साल पहले आपने OEM लाइसेंस खरीदा था, परचेस किया था, और आपने एक्टिवेट करके उसके ऊपर चिपका दिए थे या उसके ऊपर चिपका दिए या आप कहीं रखे थे, तो अभी नहीं है तो उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? फ़ोन से एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको। आपके पास लाइसेंस है तो लाइसेंस आप तो डाल सकते हैं कैसा भी करके। ये ऑप्शन देता है चेंज प्रोडक्ट की, या और भी शॉर्टकट है वो भी बताऊंगा और कैसे शॉर्टकट से जाते। बट ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास लाइसेंस की नहीं है, लाइसेंस की आपका गुम हो गया है, तो आपको फ़ोन से करवाना पड़ेगा। जैसे कि कस्टमर केयर पे फ़ोन करके करना पड़ेगा। ये देखिए, अभी मैं ये बता रहा हूँ, SLUI 3। इससे आप क्या कर सकते हैं, ओके करेंगे तो आपको आपका लाइसेंस की अगर आपके पास है तो उसको एंटर करने के लिए, विंडोज को एक्टिवेट करने के लिए लाइसेंस का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको लाइसेंस डाल सकते हैं इसमें, अगर आपके पास प्रोडक्ट की है, लाइसेंस है तो। अगर यहाँ पे देखिए, मैंने ऐसी फर्जी डाल दिया है, कुछ भी कोई भी की डाल दिया हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ, कुछ भी मतलब यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा। अगर आप ये, मैं फर्जी ऐसे ही कोई भी की डाल दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट की, लाइसेंस की यहाँ पे डालेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, या आप वहाँ के DSPC के प्रॉपर्टीज में जाके कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे दूसरा कमांड है शॉर्टकट SLUI 4। इससे आप फोन से एक्टिवेट करवाने के लिए ये शॉर्टकट यूज करते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि वहाँ DSPC के प्रॉपर्टीज में वो ऑप्शन नहीं देता है। ये देखिए, ये शॉर्टकट अपनाने के बाद, ओके करने के बाद ये आएगा कंट्री चूज करने के लिए। अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, अभी मेरा कंट्री इंडिया है, इंडिया में सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, अभी मैं अपना इंडिया ये स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इंडिया इधर है, इंडिया सेलेक्ट करके जाएंगे, जो भी आपका कंट्री है, नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया है, यहाँ पे आपको कॉल करना है, कस्टमर केयर का नंबर है ये, यहाँ पे आपको कॉल करके, ये देखिए 1 से लेकर 9 तक, एक एक में कितने डिजिट हैं, 7 डिजिट, एक एक इसमें 7-7 डिजिट करके है, 7-7 डिजिट। नंबर 9 तक आपको इंस्टॉलेशन ID है आपके पास, ये आपको कस्टमर केयर को देना पड़ता है। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे साफ साफ लिखा हुआ है, कॉल एंड प्रोवाइड यूअर इंस्टॉलेशन ID, आपको कॉल करना है कस्टमर केयर पे और ये ID बताना है, और फिर वो ये ID लेके वो जनरेट करेगा कस्टमर केयर वाला। तो वो जनरेट करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्मेशन ID देगा, वही ID आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से ये काम करना पड़ता है, बहुत, एक भी नंबर गलत होगा तो फिर जो 10-15 मिनट का आप बात किए सब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको कंफर्म करके ही इंस्टॉलेशन ID डालेंगे उसे, ये तो मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ। आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आप लोग को बताएगा ये इंस्टॉलेशन कंफर्मेशन ID, आप जब भी इंस्टॉलेशन ID प्रोवाइड करेंगे तभी। ये देखिए, अभी मैंने ऐसे ही डाल दिया है, कोई मतलब कोई हमको बताया नहीं, ऐसा ये हम लोग का कंफर्मेशन ID नहीं है, लेकिन ऐसा मांगा जाएगा। ओके,